जो भी आपने ये प्रदर्शन किया है शुरू, वो गैर कानूनी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है। बिहार में पंचायत सचिवों के द्वारा, बिहार के वार्ड सचिवों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था पटना में, जिन्हें विधानसभा घेरने गए थे पंचायत वार्ड सदस्यों ने, अपनी मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा को घेरने गए थे, लेकिन उन्हें जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया गया। अब पुलिस के द्वारा पानी की बौछार की गई और लाठियां बरसाई गई, दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया, यानी कि पंचायत वार्ड सचिवों को पीटा गया, पानी का बौछार किया गया। पंचायत वार्ड सचिव जो हैं अपनी मांगों को लेकर, नियमित करने को लेकर आवाज बुलंद करने गए थे, विधानसभा को घेरने गए थे, लेकिन उन्हें जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। यहां एडीएम के द्वारा भी बहुत कुछ कहा गया, यानी कि कहा गया कि आप गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, आप अपने अपने घर लौट जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के द्वारा नारे बुलंद किए जा रहे थे, नारे सरकार के खिलाफ में लगाए जा रहे थे, लेकिन अंत में एडीएम जो थे उनको वो आदेश देना पड़ा और पानी का व्यवहार करने का आदेश एडीएम साहब के द्वारा दिया गया। लगातार माइक से उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे थे, अंत में उन पर पानियों के बौछार के साथ पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई। मांगने गए थे नियमित करने की, नौकरी नियमित करने की, रेगुलर करने की और अन्य मांगों को लेकर गए थे, लेकिन उन्हें लाठियां मिली। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से पंचायत वार्ड अभ्यर्थियों ने, पंचायत वार्ड सचिवों ने अपनी मांगों को बुलंद किया, क्या कहते हैं, सुनिए इस वीडियो क्लिप में। जो भी आपने ये प्रदर्शन किया है शुरू, वो गैर कानूनी है। आपने ये प्रदर्शन किया है शुरू, वो गैर कानूनी है। कृपया आप अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाए, वापस लौट चले। यह धरना, यह प्रदर्शन आपका गैर कानूनी है। हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तीसरा दौर आने वाला है, इसलिए हमारा आग्रह है आप अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं, आप हमारी बात को माने। मैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पटना आपको आदेश देता हूं, आपका यह प्रदर्शन गैर कानूनी है। अब आप पे पानी का प्रहार, इसकी मैं आज्ञा देता हूं, पानी का प्रहार शुरू किया जाए। ये अगर नहीं मानते हैं, इस पे पानी का प्रहार हो। कृपया आप अपने अपने घरों के लिए लौट जाएं, ये आपका प्रदर्शन गैर कानूनी है। कोरोना काल
करता हूँ। यदि सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करती है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन अपने पद से पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं खोल करके इन 3 सूत्री मांग, वार्ड सचिव को स्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। चार माह का काम किया है, पैसा 5,000 तनखा मतदान कर लिए, बोले सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, मानदेय मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, बंद कर दिए। मैच करने आए थे, लेकिन नीतीश कुमार की अफसर शाही ने आज हम लोग के बिहार में शाम चलेगी शांति सचिव स्थायी रहे की आप, एक भी नल जल योजना सफल नहीं रहेगा उनका, सब तोड़ देंगे, चैनल से ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, आप लोग के पास कोई खटने वाला नहीं, लाठी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये लाठी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पंचायत वार्ड सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, और एडीएम साहब ने क्या कुछ कहा कि आप अपने घर लौट जाए, कोरोना काल चल रहा है।